अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नौशीज़ और आप देख रहे हैं किचन विद नौशीज़। उम्मीद करती हूं आप सब हैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है मतंजन पे, इतनी कुल लजीज और मज़ेदार है कि आप सब हैरान रह जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आपने ऐसी मतंजन या तो पकाई होगी या फिर कहीं खाई होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही यूनिक वे में मतंजन की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, इस मज़ेदार मतंजन को बनाना शुरू करते हैं। के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है उसमें लिए हैं मैंने राइस जो कि 1 kg है, 1 kg राइस लेने हैं। यहाँ पर मैंने ली है इलायची, हसबे ज़रूरत आप लोगों ने इलायचियाँ ले लेनी है, ग्रीन इलायची है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर शुगर ली है 3 कप, ये वाले जो 3 कप हैं ये मैंने लिए यहाँ पर भर भर के चीनी के। और यहाँ पर मैंने लिया है दूध, मिल्क आप लोगों ने लेना है 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी 1/2 कप से ज़्यादा है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिए हैं मुरब्बे, जिनमें ग्रीन और रेड मुरब्बे मैंने लिए हैं 1-1 प्याली। उसी के साथ बादाम लिए हैं मैंने, हसबे ज़रूरत आपने बादाम लेने हैं। उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है पिस्ता और कुछ काजू मिक्स हैं, आप लोगों ने हसबे ज़रूरत ये ले लेने हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, तो ऑयल आप लोगों ने लेनी है यहाँ पर 1 प्याली, 1 कप ऑयल लेना है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने ली है किशमिश, हसबे ज़रूरत आप लोगों ने किशमिश ले लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग चावल बॉईल कर लेते हैं। यहाँ मैंने खुला पानी लिया, आपने खुला पानी लेना है। उसी के साथ यहाँ पर मैं 5 इलायचियाँ डाल दूंगी, जिसको मैंने खोल लिया, तो खोल के यहाँ पर 5 इलायचियाँ हम लोग डाल देंगे और अब हम लोग इसका बॉयल आने तक वेट करेंगे। तो पानी में बॉयल आ चुका है, अब हम लोग डालेंगे इसमें राइस, 1 kg राइस थे और उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो यहाँ पर अब मैं चावल डाल दूँगी, 1 कनी पे आप लोगों ने चावल बॉयल करने हैं, तो सारे राइस मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर 1 कनी पे चावल पकाने का मतलब ये है कि हम लोग चावल के यानी 2 हिस्से हम लोग इसके पकाएंगे और 1 हिस्सा नहीं पकाएंगे, थोड़े से चावल कच्चे कच्चे रहने देंगे। अब मैं चेक करती हूँ, तो यहाँ पर चावल जो है वो 2 हिस्सा पक चुका है और 1 हिस्सा नहीं, तो यहाँ पर चावल मेरे डन हो चुके हैं। अब मैं इसको छानने में छान लूँगी। तो चावलों का पानी सारा मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर सारे मुरब्बे, दूध और चीनी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आपने चीनी लेनी है किसी खुले बर्तन में, या परात में आपने चावल डाल देने हैं और चीनी बीच में डाल देनी है, जो कि मैंने यहाँ 3 कप लिए हैं। अब आपने चमचे की या फिर 2 चम्मचों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मैं सारे चावल चीनी के अंदर मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चीनी और चावलों को अच्छे से आपस में मिक्स कर दिया है। ज़्यादा आपने चावल घोलने नहीं हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं दूध डाल दूँगी, जो कि 1/2 कप से ज़्यादा है थोड़ा सा। उसी के साथ यहाँ पर मैं बादाम डाल दूँगी सारे, जिन्हें मैंने ओवरनाइट भिगोया हुआ था और उसके छिलके उतार दिए थे। इसी के साथ यहाँ मैं किशमिश डाल दूँगी और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे काजू और पिस्ता। जो मुरब्बे हैं वो हम बाद में डालेंगे। अब इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, मिक्स ज़रा एहतियात से करना है। तो यहाँ पर चावल मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, तो अब हम चलते हैं कलर रेडी करने की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, 3 कलर आपने फूड कलर लेने हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ग्रीन फूड कलर डाला है 1/4 टीस्पून, ठीक है। और इसी के साथ अब यहाँ पर हम येलो फूड कलर डालेंगे या ऑरेंज आप लोग कह लें, और क्योंकि ऑरेंज डालते हैं तो बाद में येलो बन जाता है ना, तो ये भी 1/4 टीस्पून ही लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर लिया है 1/4 टीस्पून। थोड़ा थोड़ा सा दूध आपने लेके 1/4 टीस्पून उसमें कलर डाल देने हैं तीनों। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो स्पून है वो भी आपने चेंज करना है। जो ग्रीन में आपने स्पून मिक्सिंग के लिए लिया है वो आपने रेड में नहीं डालना, ये ज़रा एहतियात करनी है। तो इसी के साथ येलो कलर को भी मिक्स करने के लिए मैं दूसरा स्पून लूँगी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारे तीनों फूड कलर जो हैं वो रेडी हैं।
तो चलें अब चलते हैं चावलों को कुक करने की तरफ। तो यहाँ पर जो 1 कप हमने ऑयल लिया था उसको मैं डाल दूँगी बीच में, और इसके अंदर हम 2-3 इलायचियाँ डालेंगे। खोल के आपने इलायची डाल देनी है और इसको थोड़ा सा हम लोग कुक करेंगे, थोड़ा सा इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पका लिया है इलायचियों को, थोड़ा सा इसको कुक कर लें 2-3 मिनट के लिए। तो ये हो चुकी हैं डन। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग राइस जिसको हमने मिक्स किया हुआ था, तो सारे राइस जो हैं वो मैं डाल दूँगी। एहतियात के साथ ज़रा आपने डालने हैं, ऊपर छींटे ना पड़े। तो फ्रेंड्स चावल मैंने सारे डाल दिए हैं। अब आप लोगों ने राइस को तब तक कुक करना है, हाई फ्लेम पे कुक करना है तब तक जब तक के जो चीनी का बीच में शीरा है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर इसको कुक करूँगी चावलों को। जब तक बीच में से चीनी जो है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाती आपने इसको पकाना है। और ज़रा एहतियात करनी है चमचा चलाने में, चमचा ज़्यादा ना चलाएं तो बेहतर है, इस तरह से चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से जो शीरा है बीच में चीनी का वो खुश्क हो चुका है। तो चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं दम देने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो शीरा है वो बिल्कुल अच्छे से बीच में से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं मुरब्बे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से सेट कर लूँगी दम देने के लिए। इस तरह के राइस बहुत ही लजीज और मज़े के बनते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे आपने कभी कुक किए हैं या फिर ऐसे कहीं खाए होंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम लोग फूड कलर डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन फूड कलर डाला है। 3 साइड पे मैं यहाँ पर इसके ड्रॉप्स डालूँगी। तो थोड़ा थोड़ा आपने फूड कलर डालते जाना है। इसी के साथ यहाँ पर मैं रेड डालूँगी, 3 जगहों पर रेड फूड कलर डालूंगी। इस तरह से आपने भी डालना है। और इसी के साथ यहाँ पर मैं येलो फूड कलर डाल दूंगी, ये मैं दरमियान में थोड़ा सा ही डालूंगी। तो फूड कलर डाल चुके हैं, अब हम मुरब्बे डाल देंगे। माशाल्लाह कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ग्रीन मुरब्बा मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डल चुकी हैं, अब इसको हम 7-8 मिनट दम देंगे। तो 7-8 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे अच्छे से डन हो गए हैं। कुछ चावलों का अपना मियार होता है, कुछ जल्दी गल जाते हैं और कुछ ज़रा टाइम लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको 8 मिनट दम दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का जो हमारा मतंजन है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और चावल हमारे अच्छे से गल चुके हैं और इसका टेस्ट बहुत ही लजीज है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, कितने प्यारे ये कलर लग रहे हैं, और खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़े का है। जिनको मीठा नहीं पसंद और जो लोग मतंजन नहीं खाते, आप लोग उनको खिलाएंगे तो वो भी ये खाएंगे, इतना को मज़े का बनता है। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी मिज़मा नुशीज़, अल्लाह हाफिज़।